अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तहदिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की हमारे मुआशरे में आजकल ये एक ट्रेंड चल गया है। आजकल लोग मोबाइल और ईमेल वगैरह से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, फेसबुक और भी वगैरह के जरिए से अपने लोगों को जुम्मा मुबारक का मैसेज भेजते हैं, जुम्मा मुबारक कहते हैं। तो क्या इस तरह से जुम्मा मुबारक कहना सही है या नहीं, इस बात को लेकर काफी लोग कन्फ्यूज रहते हैं और इस बात को लेकर काफी लोगों के बीच गलत फहमियां भी आ गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुमे के दिन की मुबारकबाद देना शरीयत से साबित नहीं है और ना ही कभी किसी सहाबाए इकराम ने दी और ना ही किसी ताबीन और ना ही किसी बुजुर्गान दीन के अमल से इसका कोई सबूत मिलता है। लेकिन अभी के मौजूदा दौर में अगर कोई शख्स ऐसा करता है या किसी को जुम्मा मुबारक कह देता है तो ऐसा कहना नाजायज या बिदअत नहीं होगा और ना ही कोई गुनाह होगा और ना कोई सवाब का काम होगा।